कल हरियाणा के पंचकुला में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़े यौन शोषण के एक मामले पर बड़ा फैसला आने वाला है। यौन शोषण के मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर फैसला सुनाएगी। हालात को देखते हुए आज रात 10 बजे से हरियाणा के सिरसा शहर और आसपास के 3 गांव बाजेका, शाहपुर बेगू और नजियाखेड़ा में कर्फ्यू लगा दिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाए गए। डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर पंचकुला से करीब 260 किलोमीटर दूर सिरसा में है। फैसले के पहले हरियाणा के सिरसा में कर्फ्यू लगाने का यह आदेश दिया गया है, क्योंकि सिरसा में ही डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख आश्रम है। लेकिन फैसला आने से पहले ही बाबा राम रहीम के लाखों समर्थक सिरसा और पंचकुला में जुटने लगे हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि सिरसा में सेना बुला ली गई है। सिरसा में आश्रम के अंदर बड़ी तादाद में राम रहीम के समर्थक मौजूद हैं। इसके पहले आज शहर में पैरामिलिट्री फोर्सेज ने मार्च भी किया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने आज ट्वीट करके अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा और पंजाब सरकार ने भी बाबा के समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कल यह फैसला पंचकुला की सीबीआई कोर्ट सुनाएगी और पंचकुला में भी हालात काफी तनावपूर्ण है। पंचकुला में बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में डेरा समर्थक पहले से पहुंच चुके हैं। एहतियात के तौर पर यहां के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों और निजी संस्थानों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगले 72 घंटों तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। ये किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस के अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की 53 कंपनियों की तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। उत्तर रेलवे ने कल पंजाब जाने वाली 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बाबा के समर्थक इस समय चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में सड़कों पर हैं। ऐसी संभावना को देखते हुए कि अगर प्रदर्शन उग्र हो सकता है तो हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए यह एक मुश्किल परिस्थिति हो सकती है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर 25 अगस्त को फैसला आना है। करीब 6 करोड़ भक्तों के लिए संत राम रहीम पर फैसले की घड़ी ने हरियाणा सरकार की नींद उड़ा रखी है। भक्तों की भारी भीड़ के सामने प्रशासन ने पूरा जोर लगा रखा है, मगर जैसे जैसे फैसले का वक्त करीब आ रहा है, हरियाणा, पंजाब समेत 4 राज्यों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सरकार ने अहम फैसला लेते हुए सभी जिलों की पुलिस के बड़े अधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदार स्तर के सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें अपने अपने स्टेशन पर तैनात रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। हमने आर्मी को भी अलर्ट किया है। लगभग 10 सीनियर पुलिस अधिकारी जो कि एसपी और एडिशनल डीजी रैंक के हैं, उनको एक्सक्लूसिवली पंचकुला के लिए हमने अलग अलग सेक्टर्स का इंचार्ज बना के वहाँ पे हमने डिप्यूट किया है। इसके अलावा 10 एचएस ऑफिसर्स और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हमने लगाया है, और इसके अलावा दूसरे भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को हमने अलग अलग सेक्टर्स में वहाँ पे डिप्लॉय किया है। सबसे ज्यादा डेरा समर्थक सिरसा और पंचकुला में डेरा जमाए हुए हैं। पंचकुला के ही कल बाबा राम रहीम पर कोर्ट का फैसला आना है, यानी हरियाणा की धरती भक्ति, शक्ति और संग्राम के रण क्षेत्र में बाबा राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर पंचकुला में क्या हालात है, जी मीडिया संवाददाता पवन नारा ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। पंचकुला में सीबीआई अदालत में बाबा राम रहीम की किस्मत का फैसला होगा। जब से फैसले की तारीख 25 अगस्त मुकर्रर हुई है, तभी से बाबा के समर्थकों का पंचकुला आना जारी है। कहने को तो पंचकुला में धारा 144 लागू है, लेकिन इसके बावजूद पंचकुला में बाबा के 1 लाख से ज्यादा समर्थक पहुंच चुके हैं। पंचकुला ही वो जगह है जहां सीबीआई अदालत बाबा राम रहीम पर फैसला सुनाएगी। जब से 25 अगस्त को फैसले की तारीख का ऐलान हुआ है, तभी से बाबा के भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। धारा 144 लागू होने के बावजूद अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंच चुके हैं। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाया गया है। हालात कमोबेश सिरसा में बेकाबू हो रहे हैं। इस वीडियो पर गौर कीजिए। जब से राम रहीम पर सीबीआई कोर्ट का फैसला आने का ऐलान हुआ है, तब से आश्रम में हलचल और तनाव काफी बढ़ गया है। हरियाणा के सिरसा में यही है बाबा गुरमीत राम रहीम का आश्रम। डेरा सच्चा सौदा आश्रम में राम रहीम के समर्थकों की भारी भीड़ जुट रही है। पंचकुला की अदालत जो फैसला सुनाएगी, उसके बाद राम रहीम के आश्रम में जुटे भक्त आगे की रणनीति तय करेंगे। लाखों की तादाद में लोग यहां पर जमा हैं। फैसले के आने से पहले सिरसा में धारा 144 लगी हुई है, और इसी वजह से सड़क मार्ग के साथ साथ रेल मार्ग से भी आने वाले लोगों पर बाकायदा नजर रखी जा रही है, और खास करके
जो भी गाड़ी जो है ट्रेनें आ रही हैं उसमें जो यात्री उतर रहे हैं उनसे जो है बाकायदा जांच पड़ताल की जा रही है। चंडीगढ़ वो तीसरा शहर है जहां हालात बेकाबू हो रहे हैं। चंडीगढ़ में भी बाबा राम रहीम के फैसले को लेकर खलबली मची है, क्योंकि चंडीगढ़ पंचकुला के बेहद करीब है और बाबा के समर्थकों की भीड़ ने पंचकुला की तरह ही चंडीगढ़ में भी डेरा डाल रखा है। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने चंडीगढ़ में बाबा राम रहीम को लेकर चल रही हलचल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। कोर्ट में जहां पर ये फैसला आना है उस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पे सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत है जो कि सिक्योरिटी से ताल्लुक रखते हैं या फिर जिनका कोर्ट में किसी तरह का काम है। इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। इतना जरूर है कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। इस बीच बाबा राम रहीम ने ट्वीट करके अपने समर्थकों से अपील की है कि वो अमन चैन बनाए रखें। हमने हमेशा कानून का सम्मान किया है। पीठ में दर्द है फिर भी कल कोर्ट जाऊंगा। मुझे भगवान पर पूरा यकीन है। सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी हालात बिगड़ने की आशंका है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। साढ़े पंजाब का कोई इतने गड़बड़ नहीं होने देनी। असी पूरी तैयारियां रखी ने। वी डोंट एक्सपेक्ट एनी ट्रबल एंड आई डोंट एक्सपेक्ट ट्रबल फ्रॉम एनी साइड। असी सारा प्रबंध साडा होया होया है। फैसला 25 अगस्त को आना है। उससे पहले समर्थकों की बड़ी संख्या में पहुंचने के कारण पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर और पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है। सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा की सीमा को सील कर दिया गया है। डेरा प्रमुख के समर्थक लगातार पंचकुला पहुंच रहे हैं। हालांकि पंचकुला और अंबाला से बस सर्विसेज बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेन के जरिए पंचकुला पहुंच रहे हैं। यहां हम आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर पुलिस भी तैनात है जो आने जाने वाले बैग्स की चेकिंग कर रहे हैं कि आखिर कोई बैग में कुछ भी वेपन ना लेकर जाए और ना ही कोई नुकीली चीज़ लेकर जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे चेकिंग भी की जा रही है। आपको बता दें इसी के साथ ही चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हरियाणा पुलिस के साथ साथ सीआरपी के जवान और साथ ही साथ आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख से जुड़े फैसले से एक दिन पहले पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की संयुक्त बैठक में तुरंत प्रभाव से तीनों राज्यों में मोबाइल इंटरनेट सेवा और डेटा सर्विस को बंद करने का फैसला लिया। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास के मुताबिक 72 घंटे तक पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सर्विस बंद रहेगी। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा का एक जॉइंट कंट्रोल रूम बनाने का भी फैसला लिया गया है। चारों तरफ से नाकाबंदी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, चूंकि पंचकुला पूरी तरह से पोरस है, पंचकुला का कोई इस तरह से कहीं से रेगुलेट नहीं हो सकता, ट्रैफिक की मूवमेंट तो इंटरसेप्ट हो रही है। 25 अगस्त यानी कल हरियाणा में 9 संवेदनशील जिले पंचकुला, सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, हिसार, फतेहाबाद और जींद में बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। अन्य जिलों से चंडीगढ़ पंचकुला के लिए कोई बस नहीं आएगी और दिल्ली से जाने वाली बस चंडीगढ़ और पंचकुला नहीं जाएगी। ये बसें अंबाला और नारायणगढ़ तक ही चलेंगी, लेकिन इसके बावजूद डेरा समर्थकों के पंचकुला पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी जगह पर पुलिस चेकिंग पहले से ही जारी है। डेरा मुखी की पेशी को लेकर सरकार ने एहतियात के तौर पर वो सारे कदम उठा लिए हैं जो उठाने जरूरी हैं। फायर ब्रिगेड की बात करें तो फायर ब्रिगेड को भी तैयार रखा गया है। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जितनी भी यहां पर गाड़ियां आप देख सकते हो इनमें सब में ये तैयार हैं, पूरे इक्विपमेंट के साथ फायर ब्रिगेड तैयार है। इस वक्त हमारे साथ एसएस मलिक जो फायर ब्रिगेड ऑफिसर हैं यहां पर पंचकुला में, उनसे बात कर लेते हैं। हमारी जो ना 9 गाड़ी पॉइंटों में पहुंच चुकी हैं सुरक्षा के लिए, बाकी हमारी 6 गाड़ी रिजर्व में हैं, किसी भी टाइम आवश्यकता पड़ने पर ये चली जाएंगी। सर किसी भी पंचकुला में किसी भी जगह पर आगजनी की घटना होने की सूरत में फायर ब्रिगेड की आपकी टीम जो है वो कितने मिनट में पहुंच जाएगी? हमारा मेसेज नोट करने का 1-20 सेकंड का टाइम होता है। 25 सेकंड में ट्रेन आउट हो जाता है, गेट से निकल जाती है गाड़ी 25 सेकंड के अंदर। हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तरों में 25 तारीख तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। मोहाली प्रशासन ने भी 25 अगस्त को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल सहित आंगनवाड़ी केंद्र को बंद करने का फैसला किया है। सिरसा से ब्रिजेश श्रीवास्तव, पंचकुला से पवन नारा और कुलवीर दीवान के साथ जितेंद्र शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़।